हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्वेल्थ इंग्लिश के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी जिससे आप लोगों को इंटर की फाइनल एग्जाम 2025 में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो का फर्स्ट पहला क्वेश्चन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाई स्वीटेस्ट लव आई डो जो है द्वारा लिखा गया है तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉनडन याद रखिएगा की स्वीटेस्ट लव आई डॉट गो इज रिटेन बाई जॉनडन तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे सेकेंड यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डैश पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक किस प्रकार के कविता है तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेटाफिजिकल याद रखिएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ मेटाफिजिकल पोएम तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हम लोगों का देखिए पे थर्ड यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन जॉन्डन वॉज अ डैश पोएट जॉन्डन जो है वो किस प्रकार के कवि हैं तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेटाफिजिकल याद रखिएगा कि जॉनडन एक मेटाफिजिकल पोएट हैं तो तीन का सही आंसर ऑप्शन सी मेटाफिजिकल नेक्स्ट हम लोगों का देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर वेन एंड वेयर वॉज जॉनडन बॉर्न मतलब कि जॉन्डन का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंद्रह इन लंदन यानी पंद्रह सौ ईस्वी में लंदन में जॉन्डन का जन्म हुआ था तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे पांच नंबर क्वेश्चन जॉन्डन वॉज डाइड ऑन डेस जॉन्डन की मृत्यु कब हुई थी तो पांच का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोलह सो ईस्वी को, वाज 1631, के 1631 इस को ही। तो पांच का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी होगा नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे छह नंबर क्वेश्चन जॉनडन वॉज नॉन एज डे जॉन्डन जाने जाते हैं तो छे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये प्रीचर एक प्रीचर के रूप में जॉन्डन वॉज नॉन एज 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 जॉनडन वीचर जॉनडन एक प्रीचर के रूप में जाने जाते थे तो छ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ए प्रीचर नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे सेवन सात नंबर क्वेश्चन जॉन्डन अ रोमन डैस जॉन्डन जो है वो रोमन क्या था तो सात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये कैथोलिक जॉन्डन एक रोमन कैथोलिक था तो सात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये रोमन कैथोलिक यानी कैथोलिक ठीक है ना नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे आठ नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने डन्स वाइफ नेम वाज मतलब कि जो है उसकी पत्नी का नाम क्या थी तो आठ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन मोर क्या होगा एन मोर यानी आठ का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन्डन की पत्नी का नाम एन मोर थी नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे नौ नंबर क्वेश्चन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इज द वर्क ऑफ डेस सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो है ये किसका वर्क है तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये डन अर्थात जॉन डन का सॉन्ग्स एंड सोनट्स इज द वर्क ऑफ जॉन डन एंड सॉन्ग्स और सोनट्स जो है वो जॉन डन के कार्य हैं तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डन चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन जॉन डन्स फादर वाज अ डैश जॉन डन के पिता क्या थे तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक ट्रेडर यानी व्यापारी थे याद रखिएगा कि जॉन्डन के पिता एक व्यापारी थे जॉन्डन फादर वॉज अ ट्रेडर तो दस का सही आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहां पे इलेवन नंबर क्वेश्चन द पोएम दैट कंसिस्ट फोर्टीन लाइन इज कॉल्ड डैश मतलब ऐसी कविता जो चौदह लाइन यानी फोर्टीन लाइंस की होती है उस टाइप के कविता को क्या कहा जाता है तो ग्यारह का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सोनेट याद रखिएगा कि फोर्टीन लाइंस का के जो कविता होते हैं उसे हम लोग सोनेट कहते हैं तो द पोएम दैट कंसिस्ट 14 लाइन फोर्टीन लाइन्स कॉल्ड सोनेट यानी ग्यारह का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये चौदह लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे बारह नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सॉन्ग ऑफ माइ सेल्फ जो कविता है यह किस प्रकार की कविता है तो बारह का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा एनि पीपल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पीपल पोएम यानी लोगों की गीत है तो बारह का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीपल नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे तेरह नंबर क्वेश्चन सॉन्ग ऑफ माइ सेल्फ इज रिटेन बाई डेस सॉन्ग ऑफ myself सेल्फ जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं तो तेरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विन विन मतलब वाट विटवेन याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ myself सेल्फ इज रिटर्न बाई विटवेन इज तेरह का सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे फोर्टीन यानी चौदह नंबर क्वेश्चन वेन एंड वेयर वॉज विन वर्न यानी विटवेन का जो जन्म हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था तो फोर्टीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अठारह इन अमेरिका 1819 में विटवेन का जन्म जो है अमेरिका में हुआ था तो 14 का सही आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन वेन वॉज विन डाइड विटवेन का मृत्यु कब हुआ था तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अठारह सो ईस्वी को विटविन का मृत्यु अठारह को हुई तो 15 का सही आंसर ऑप्शन ए नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे यानी सोलह नंबर क्वेश्चन इज नोन एज जाने जाते थे तो सोलह का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज अर्थात ये टीचर ये कारपेंटर एंड एडिटर ये तीनों जो है इन तीनों के रूप में विटवेन जाने जाते थे तो सोलह का सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक करना है ठीक है नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे सत्रह सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन ड्रम टैप इज द वर्क ऑफ डेस ड्रम टैप इज द वर्क ऑफ डैश तो सत्रह का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉट विटवेन ड्रम टैप जो है वाट विटवेन का वर्क है तो सत्रह का सही आंसर ऑप्शन डी और नेक्स्ट हम लोगों का अठारह नंबर क्वेश्चन वाट विटवेन वॉज डैश पोइट वाट विटवेन जो है वो कहाँ के कवि थे तो अठारह का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिकन याद रखिएगा कि वाट विटवेन एक अमेरिकन पोइट थे तो अठारह का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो क्या है तो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक लिरिक है याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ माइ सेल्फ इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लिरिक है तो उन्नीस का सही आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे बीस ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींगस सेज किसने कहा एवरी आइटम ऑफ ब्लड यानी ब्लड का सभी कन जो है वो सेम होते हैं पूरी मानव जाति में तो बीस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये वाट विटमेन ने कहा था किसने कहा था तो वाट विटमेन ने यानी बीस का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ये विटमेन नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाउ द लिप्स फास्ट इज अ डैश पोएम नाउ द आर फॉलिंग फास्ट जो है प्रकार कविता है तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेचर नाउ द आर फॉलिंग फास्ट इज अ नेचर पोएम यानी प्रकृति प्राकृतिक कविता है तो 21 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी नेचर नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे बाईस नंबर क्वेश्चन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय डैश नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये ऑडेन कौन वडेन तो डब्ल्यू एच वडेन यहाँ पे डब्ल्यू एच छिपा हुआ है नहीं लिखा है तो डब्ल्यू एच वडेन यानी ऑडेन तो 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए क्या आप एक ऐसा स्पेशल एस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट जैसे आपका साइंस है तो साइंस का सभी सब्जेक्ट कॉमर्स है तो कॉमर्स का सभी और आर्ट्स है तो आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो जिससे आप आसानी से 400 प्लस मार्क्स यानी 80 प्रतिशत मार्क्स बना सकें और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 400 प्लस मार्क्स यानी परसेंट ठीक है ना यानी 80 प्रतिशत प्लस मार्क्स लाया था मात्र कितने दिन में तो मात्र एक महीना पढ़कर तो आपके पास अभी भी लगभग चार महीना का समय है तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी 80 प्लस प्रतिशत मार्क्स आए तो आप जो है स्पेशल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए और स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा तो आपको एक सौ पेमेंट करना होगा तो आप पेमेंट कैसे कीजिएगा तो उसके लिए आपको पहले व्हाट्सएप में इस नंबर पर मैसेज करना होगा तो आप मैसेज में क्या लिखिएगा स्पेशल ग्रुप लिख के मैसेज कर देना तो मैं समझ जाऊंगा मेरी टीम आपको समझ जाएगी तो आपको स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा जब आप 199 पेमेंट कर देंगे यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 400 प्लस मार्क्स गारंटी के साथ दिया जाएगा यदि 400 प्लस मार्क्स आपका नहीं आया तो आपको पैसा वापस किया जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहां पे 23 नंबर क्वेश्चन और नेक्स्ट हम लोगों का तेईस नंबर क्वेश्चन डब्ल्यू एच वन वॉज अ डैश पोएट डब्ल्यू एच ऑडन जो है वो किस प्रकार के कवि हैं तो तेईस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉलिटिकल याद रखिएगा कि डब्ल्यू एच ओडन वॉज अ पॉलिटिकल पोइट यानी तेईस का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे चौबीस नंबर क्वेश्चन डब्ल्यू एच वन वॉज बॉर्न ऑन डैश इन डैश डब्ल्यू एच का जन्म कहाँ कब और कहाँ हुआ था तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 1907 इंग्लैंड में डब्ल्यू एच ऑडेन वॉज बोर्न ऑन 1907 इन इन इंग्लैंड यानी डब्ल्यू एच का जो जन्म हुआ था ना वो 1907 में इंग्लैंड में हुआ था तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन डब्ल्यू एच वन वॉज डाइड ऑन डेस डब्ल्यू एच वर्डन की मृत्यु कब हुई थी तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी उन्नीस सौ तिहत्तर ईस्वी को तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बी तो फ्रेंड्स अब तक हम लोगों ने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं तो इस 25 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इससे पहले वाला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिए तो चलिए